हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू चैनल JS कॉमर्स क्लासेस। अगर आप 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो और एग्जाम देने वाले हो तो आपके लिए वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज इस वीडियो में हम बात करेंगे HSC न्यू सिलेबस। जरा ध्यान से सुनना, HSC न्यू सिलेबस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं बोर्ड के, तो उसमें जो सब्जेक्ट होता है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, दैट इज SP, तो उसके जो वेटेज ऑफ चैप्टर, जैसे कि आपको पता होगा SP में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर इज 12। अब 12 चैप्टर कितने मार्क्स के लिए बोर्ड में पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। और जो आपके सामने ये PDF फॉर्म दिख रहा होगा, ये डायरेक्टली उनकी वेबसाइट से ही लिया गया है। तो ऐसे तो आपके पास में पूरे 1 से लेकर 12 चैप्टर है। यहाँ पे यूनिट वाइज इन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, सोर्सेज ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस, कैपिटल राइजिंग, सेक्रेटरियल कॉरेस्पॉन्डिंग, डिपॉजिटरी सिस्टम, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, फाइनेंशियल मार्केट। तो इस सारी चीज़ों को देखने के लिए चैप्टर नंबर 1 और 2 होगा 17 मार्क्स का विदाउट ऑप्शन। जरा ध्यान से सुनना, विदाउट ऑप्शन होगा 17, विथ ऑप्शन होगा 25। चैप्टर नंबर 3rd, 4th, 5th कैपिटल राइजिंग, 3rd, 4th, 5th विदाउट ऑप्शन 24, विथ ऑप्शन होगा 35 मार्क्स। अगर आप तीसरा चौथा लेसन कर ले तो डेट मीन्स आपके 40-50% कवर तो आपका यही से हो जाएगा। चैप्टर नंबर 6 लेटर 6, 7, 8 टोटल मार्क्स होगा 13, विथ ऑप्शन होगा 18। चैप्टर नंबर 9 एक ही चैप्टर है, 7 मार्क्स होगा टोटल और ऑप्शन के साथ में होगा 11। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट लेसन नंबर चैप्टर नंबर 10 9 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, और मार्क्स विथ ऑप्शन होगा 13। फाइनेंशियल मार्केट 11 एंड 12 दोनों चैप्टर ऑप्शन के साथ में आते हैं 10, विदाउट ऑप्शन होगे 10 और विथ ऑप्शन के साथ में होगे 14। तो अगर हम लोग टोटल करें तो टोटल मार्क्स होगा 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जिसमें से आपको 116 का ऑप्शन के साथ में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको अटेम्प्ट ओनली 80 मार्क्स का करना है। अब आपके हिसाब से आपको जो लेसन इजी लग रहा है, कम लेसन आपको ज़्यादा मार्क्स मिल रहे वो लेसन करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे कि आपको पहला और दूसरा लेसन करते हो तो 25 मार्क्स आपको ग्रैब कर सकते हो। तो दोनों चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से करने की कोशिश करना। बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत चांसेस होते हैं शेयर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछने के लिए। 3rd, 4th, 5th शॉर्ट नोट एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, डिफरेंस रूटीन एक क्वेश्चन आएगा इसमें से ज़रूर। 6, 7, 8 लेटर है, करस्पॉन्डिंग्स जो भी तीनों में से एक एक आने के चांसेस हैं। 9, 10 डिपॉजिटरी सिस्टम में से भी आपको एक डिफरेंस रूटीन या तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड में से एक डिफरेंस रूटीन पूरा चांसेस है, और फाइनेंशियल मार्केट में से भी एक डिफरेंस बिटवीन आ जाता है। तो इस तरह से हमने आपको इस वीडियो में दिखाया है वेटेज ऑफ चैप्टर या तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट वाइज वेटेज या तो यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैप्टर। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जो बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं या देंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय, जय हिंद।